हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गूगल। तो आज मैं आपको एक नए शेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेस। जैसा कि आप यहाँ नाम ले सकते हैं, नेक्टर लाइफ साइंसेस लिमिटेड, और इसको कि जाना जाता है नेकलाइफ के नाम से। तो पहले मैं आपको इसका प्राइस एंड वॉल्यूम दिखाना चाहूँगा, ठीक। आप देख रहे यार, 23 लाख के विद ट्रेडिंग 11 लाख लोग घर लेके गए, ठीक है। 11 लाख शेयर में यानी कि 49.26%, ठीक है, लोगों ने डिलीवरी ली है इसकी। 11 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग में 6 लाख दिया, लगभग 27.40%, 8 लाख में 5 लाख लिया, 13 लाख में 7 लाख। ये ट्रुपल को भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट चलूँगा अभी। अब ये देख सकते हैं 50%, 56%, 57%, 49%, नियरली 50 माल में है इसको भी, ठीक है। ये देख रहे हो 4 दिनों से क्या हो रहा है, दमादम। एक हफ्ते में 14% गिरा जा रही है, फिर एक महीने में 9.30% गिरा, 3 महीने में 75%, 1 साल में 60, ईयर टू डेट में 59.21%, 1 ईयर में 85.16%, 3 साल में तो भाई पैसा डबल कर दिया इसने। अभी और नहीं खेलते हैं। यहाँ देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक। प्रोमोटर के पास 55.8% ऑफ शेयर होल्डिंग, FIs के पास है 2.62%, और बाकी यार पब्लिक के पास है 41.58%। ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ठीक। ये देखो यहाँ पे प्लेज भी हुआ है यार शेयर्स, पूरे प्रमोटर ने सारे शेयर्स प्लेज कर दिए हैं। हो सकता है इनका कुछ फ्यूचर प्लान हो जिनके लिए जिसके लिए पैसे चाहिए उनको, ठीक। ये तो मैं बता चुका हूँ ना, FIs की 2.62, DIs है नहीं इसमें, वो पब्लिक यार वही 41.58%, थोड़ी सी बड़ी है इम्पैक्ट सेप्टेम्बर के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो ये आ गए हम चार्ट पे, और मैंने नेकलाइफ पर चार्ट खोल रखा है जिसको कि नेक्टर लाइफ साइंसेस भी आप नेक्टर लाइफ साइंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्टर लाइफ साइंसेस के नाम से जानते हैं या नेकलाइफ जो भी आप बोलना चाह रहे, ठीक। ये मैंने चार्ट ज़ेरोधा पे खोल रखा है, तो पहले चलता हूँ वन डे के कैंडल पे। वन डे के कैंडल पे आप देख सकते हैं कैसे इस चार्ट ने धमाका मचा रखा है भाई। ये क्या था, 47.90 पे गया था, ठीक। ये लगाया था इसने हाई, और अभी ये यहाँ पे चल रहा है। तो यार मैं ये कहूँगा कि आप इसको 30 से 35 के बीच में बाय करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं सेफ रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं, तो मैं एडुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ अभी सीखूँ। तो आप चाहो तो 30-35 के बीच में बाय कर सकते हो, बाकी अगर ये 25 के नीचे जाता है तो फिर यार 20 या उसके नीचे ही बाय करना। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बाय करना, जैसे अगर 35 पे आए तो अगर आपको 1000 रुपये डालना है तो 35 पे भाई 250 डाल दो, 30 पे 250 और डाल दो, 500 आपके यहाँ इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। और अगर नीचे गिरता है तो 20 तक जब तक ना आएगा तब तक और 250 मत डालना, ठीक। और अगर ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाने की बात है, ठीक है, तो आप ऐड कर जाना। जैसे आपने 35 पर 250 डाल दिया और 30 आए ही नहीं, 32 से ही ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो भाई जितना ऊपर जाए आप थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी ऐड करते रहना, ठीक है। 45 तक पूरी क्वान्टिटी आप इन्वेस्ट कर देना इसमें, ठीक है। अब मैं इसको आपको लेके चलता हूँ 1 वीक के चार्ट पे। 35 पे आए तो आप क्वान्टिटी ऐड करना शुरू कर देना और 30 तक ऐड करना, ठीक। क्योंकि ये है एक लॉन्ग टर्म का मैं स्टॉक बता रहा हूँ नेकलाइफ, और ये आपका पैसा डबल कर देगा जिससे मुझे दिखाने का। बट मंथली चार्ट में मैं दिखाऊंगा, वीकली चार्ट पे तो कुछ नहीं है, मंथली चार्ट पे देखो ना था। ये देखो 2005-05 की इसकी लिस्टिंग है भाई। देखो 10 रुपये आता है, फिर जाता है 40 रुपये, फिर 10 रुपये आएगा,
स्प्रे जाएगा 40 रुपया। इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था। इसने एक अटैम्प यहाँ पे कहीं किया था लेकिन ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाया, तो फिर दूसरा यहाँ किया। तीसरे में इसने क्रॉस को कर लिया 40, लेकिन फिर नीचे आ गया, 60 टच किया फिर नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया 10 रुपये। ठीक, 10 पॉइंट पे आ गया। ठीक, अब इसने फिर कोशिश करी, देख रहे हो ये कितनी लगातार कोशिश पर कोशिश करता जा रहा है कि ऊपर चला जाए, और इस बार मुझे पक्का यकीन है कि ये जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये जाएगा, इसलिए तो मैं आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब आपको ना दिखी हो, आपको आप नहीं जानते हो, मुझे पता हो। ठीक, सर ये स्टॉक ख़रीदो, 60 का टारगेट है और 35 पे बाइक करना शुरू कर देना। 35 पे जाओ, चाहो तो 50% भी डाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका जैसे मैनेजमेंट हो, है ना, जैसे आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक, कि 35 पे ले लिया, थोड़ा फिर 30 पे ले लिया, 30 पे से आ गया, रेयर केस में आ सकता है क्योंकि मार्केट मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट और ज़्यादा गिरेगी तो भाई आ ही जाएगा सीधी बात। तो यार वही है, ले लेना इसको, और 60 का टारगेट 1 साल में आराम से आ जाएगा आपके पास।